हाय गाइस, मैं आपके साथ में एग करी की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने 5 एग को बॉईल किया है, ये मैं एग बाहर निकाल रही हूँ। फिर मैं इसमें सोयाबीन ऐड किया है, सोयाबीन भी मैंने बॉईल किया है। फिर उसके बाद में मैंने 2 लहसुन, 2 प्याज, 3 टमाटर लिए हैं। फिर इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया है। ये मैं अदरक चॉप कर रही हूँ। फिर मैंने ये गरम मसाला है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। ये पीस लिया मैंने, अब इसमें मैं नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें मिर्ची ऐड कर रही हूँ, मिर्ची आप जितना तीखा खाएं। फिर मैं इसमें हल्दी ले रही हूँ। उसके बाद में मैंने एग को फ्राई किया है। फ्राई गाइस आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, हल्का फ्राई ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैं मेथी दाना ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। फिर मैं प्याज जो चॉप किए थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ। प्याज अच्छे गोल्डन ब्राउन होने के बाद में अपन ने जो पेस्ट बना के रखा था गाइस, फिर अपन वो पेस्ट ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं, मैंने पेस्ट ऐड किया है। अच्छे से भूनने के बाद में फिर मैंने जो टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से धीमी आंच करके मैं इसको भूनूंगी। फिर उसके बाद में मैं इसको देख सकते हैं किस तरह से मैंने भूना है। फिर मैं इसके अंदर जो अपने सोयाबीन मैंने बॉईल किए थे वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आप देखना, ये देख सकते हैं। फिर मैं इसमें एग बॉईल किए, फ्राई किए हुए वो ऐड करूँगी। इसमें आप पानी हल्का डाल सकते हैं। ये देखो, मेरी एग करी की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। थैंक यू।